गाइस क्रिश शेयर, तो आप लोगों को इंट्रो कैसा लगा? आई एम श्योर कि आप लोगों को इंट्रो अच्छा लगा होगा एंड होम स्क्रीन सेटअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो गाइस मैं तो यार बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ एक जैसे होम स्क्रीन सेटअप को देख देख के, तो मैंने ये होम स्क्रीन सेटअप कैसे बनाया वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ही मिनिमल, बहुत ही अच्छा दिखने वाला होम स्क्रीन सेटअप, तो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। एंड इससे पहले मैंने एक कैसे आप ऑक्सीजन वेस्ट वाला लुक ले सकते हो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हो। एंड और एक चीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को बजा के ऑल पर सिलेक्ट कर दो। तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम लोग ऐसा होम स्क्रीन सेटअप बना सकते हैं। तो गाइस इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी। सभी एप्लीकेशंस का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उनको आप लोगों को उन लिंक से डाउनलोड करने लाना है। सिंपली आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को नोवा लॉन्चर को अपने डिफॉल्ट लॉन्चर में सेलेक्ट करना है एंड होम स्क्रीन में जो भी ऐप्स होंगे या फिर जो भी होगा वो आप लोगों को क्लियर करना है। इसके बाद आप लोगों को नोवा लॉन्चर की सेटिंग में जाना है। सेटिंग के जाने के बाद आप लोगों को होम स्क्रीन में जाना है एंड जो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप ग्रिड, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, यही आप लोगों को कर लेना है। एंड इसके बाद आप लोगों को आइकन साइज़ को 85 में रखना है एंड लेवल को आप लोगों को ऑफ रखना है डेस्कटॉप के लिए। इसके बाद आप बैक में जाएंगे। बैक में जाने के बाद आप लोगों को ऐप ड्रायर में जाना है। ऐप ड्रायर में आप लोगों को बैकग्राउंड कलर दिखेगा, इसको आप लोगों को ब्लैक में सिलेक्ट कर देना है। एंड ब्लैक में सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जाना है ट्रांसपेरेंसी में एंड 40% आप लोगों को यहाँ पर रखना है, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद आप लोगों को नीचे की तरफ जाना चाहिए एंड नीचे की तरफ जाने के बाद इसको आप लोगों को वाइट कलर में सेट कर देना है। इसके बाद फिर से आप बैक जाएंगे एंड इसके बाद हम लोगों को लुक एंड फील में जाना है। लुक एंड फील में आइकन स्टाइल में हम लोगों को इसको राउंड कर देना है, ये स्क्वायर में रहेगा। इसके बाद आइकन थीम में हम लोगों का जो फ्लैट वाइट आइकन पैक है इसको सिलेक्ट कर देना है। तो आप लोगों का बहुत सारा काम अभी हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को जाना है होम स्क्रीन पे एंड जो जो ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो आप लोगों को यहाँ पर होम स्क्रीन में लाना है। तो ज़्यादा ऐप मत लाना, तो ज़्यादा ऐसे क्लीन नहीं दिखेगा, मिनिमल नहीं दिखेगा। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं ऐप्स यहाँ पर ले आता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा नीचे करना है क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, तो अभी ठीक से लग रहा है। गाइस इसके बाद आप लोगों को टैप एंड होल्ड करके विजेट में जाना है एंड विजेट में जाने के बाद आप लोगों को एक विजेट चूज़ कर देना है। 4x2 में ये जो विजेट है इसको आप लोगों को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ यहाँ पर जाके छोड़ देना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसके बाद थोड़ा सा रिसाइज कर लेना है, आप लोगों को अपने हिसाब से बैठा लेना है इसे। इसके बाद आप लोगों को जाना है इस एप्लीकेशन में जिसका लिंक हक KWGT। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे थीम्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे विजेट देखने को मिलेगा। तो इधर आप लोगों को 077 में आप लोगों को जाना है एंड उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि कौन सा आप लोगों को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा 077। तो अभी हम लोग ढूंढते हैं, तो ये मिल चुका है हम लोगों को, तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जाना है यहाँ पर लेयर में एंड आप लोगों को इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है क्योंकि बहुत छोटा लगेगा नहीं तो। तो इसको साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, सेव कर देना है आप लोगों को यहाँ से। लेकिन मैंने सेव किया है तो मैं फिर से सेव करता हूँ। तो इधर आप लोगों को सेव करने के बाद आप लोग कुछ ऐसा देख सकते हो, इसको आप लोगों को साइज़ कर देना है लेफ्ट में। तो देखने में ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड देख सकते हैं ये फिर से बड़ा हो चुका है एंड यहाँ पर बड़ा होने के बाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन में हमेशा एक नोटिफिकेशन देगा, तो आप लोगों को KWGT का नोटिफिकेशन बंद कर देना है, तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और ये जो आप देख सकते हो कितना क्लीन एंड मिनिमल आप लोगों को सेटअप लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। एंड जो ये वॉलपेपर है ये फ्रेश वॉल्स में मिलता है मिनिमल में, तो वो उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, दबा के आप लोगों को ग्रे कर देना है, ऑन पे सेलेक्ट करना है नोटिफिकेशन बेल को। तो बस दैट्स प्रीटी मच फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।
पेस।